सो फाइनली दोस्तों सलार वर्सेस डंकी की बहुत बड़ी अपडेट लेके आओ भाई। सलार ने ना मार के रख लिया डंकी की। सलार ने रिलीज से पहले ही भाई साहब करोड़ की कमाई कर ली है, प्री रिलीज प्रॉफिट है। और वही डंकी भाई साहब कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा, और भैया एक दिन पहले ही फिल्म को रिलीज कर दी है। उसको पता है कि सलार सोलो रिलीज कर दी, और उसको पता है कि भैया अगर दोनों क्लैश होती तो भैया डंकी को कोई नहीं पूछता। एक दिन पहले की क्या रणनीति है वो बताऊंगा। लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहिए, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों आज की ब्रेकिंग न्यूज, डंकी का टीजर 2 नवंबर को नहीं आ रहा है शाहरुख खान के बर्थडे पर। उस दिन जवान का सैटेलाइट राइट की घोषणा की जाएगी, आई मीन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे। आपको बता दूं कि डंकी का टीजर रिलीज होगा टाइगर 3 फिल्म के साथ। जी हां, 12 नवंबर को टाइगर 3 फिल्म रिलीज हो रही है, उसके साथ उसका प्रिंट थिएटिकल अटैच होगा टीजर। तो दोस्तों वहां पर फैंस लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और आपको बता दूं भाई कि अभी बीएमएस पे जो डंकी का जो बुक माई शो पे इंटरेस्ट दिखा रहा है 95.4K, भाई अभी तो 100K कंप्लीट नहीं हुआ। और भाई साहब यहां पर सलार 426.6K। जी हां दोस्तों, पब्लिक का इंटरेस्ट मतलब ऑलमोस्ट 4.5 लाख पब्लिक इंतजार करी, और यहां पर तो भाई साहब आपको बता दूं कि 1 लाख पब्लिक भी वेट नहीं करी डंकी के लिए। भाई आपको बता दूं कि ये लोग कह रहे हैं कि डंकी फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर होगी, रीमेक बता रहे बहुत सारी फिल्मों का। हालांकि दोस्तों इस फिल्म की हाइप ना सलार के सामने बहुत ही छोटी है, सीरियसली भाई। और भाई साहब प्रभास का बर्थडे तो, और हैदराबाद में जो कटआउट पोस्टर लगा था उसने RRR बाहुबली 2 के कटआउट पोस्टर को रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑलमोस्ट 250 फीट का ऊपर कटआउट पोस्टर लगा था। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो सलार फिल्म है, जी हां दोस्तों सलार फिल्म कहा जा रहा है कि इसका VFX का काम कंप्लीट हो चुका है, टीजर कटआउट पोस्टर ट्रेलर सब कुछ रेडी है। यहां तक कि दोस्तों प्रशांत नील ने अभी अपने हाल ही ट्विटर में एक क्या बोलते हैं पोस्ट शेयर किया है, लगभग रात में किया था। उन्होंने बोला कि भैया VFX काम कंप्लीट हो गया, एक नया पोस्टर शेयर किया, ये देख लो नया पोस्टर, VFX काम कंप्लीटेड है, ऑल वर्क हैज बीन डन। दोस्तों टीजर डन, ट्रेलर डन, और इनफैक्ट एक सॉन्ग भी शूट हो चुका है। हां यहां तक कि दोस्तों कुछ फुटेज भी लीक हुई है सलार के टीजर को लेकर। सलार का एक टीजर पहले आ चुका है दोस्तों, एक टीजर और आना बाकी है, और वो टीजर नवंबर 12 कहा जा रहा है दिवाली वाले दिन आएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि खास तौर से प्रशांत नील ने अपने पोस्ट में बोला है कि दोस्तों वी आर रेडी टू बैंग, हम धमाका करने को तैयार है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ सजा हुआ है, बस दोस्तों थोड़ा सा फिल्म मेकर ये चाहते हैं कि प्रमोशन 1 महीने पहले हो, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम बचा है दोस्तों, और जल्दबाजी नहीं करना चाहते प्रशांत नील और फिल्म मेकर। यहां तक कि उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी और कहा है कि इसका ट्रेलर, जी हां दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका ट्रेलर जो है बड़े वाला यानी कि जो फाइनल ट्रेलर होगा वो 30 नवंबर को आएगा, क्योंकि फिल्म ऑलमोस्ट 22 दिसंबर को आ रही है, तो 30 नवंबर को फाइनल ट्रेलर आएगा, और 12 नवंबर को टीजर आएगा, एक और नया टीजर, उसके बाद नया सॉन्ग रिलीज होगा, और फिर मोशन पोस्टर और दोस्तों और बाकी तमाम को स्टार के पोस्टर्स को रिलीज किया जाएगा। यहां तक आपको बता दोस्तों कि सलार फिल्म ने दोस्तों प्री रिलीज सही लगभग मतलब 255 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि तेलुगु स्टेट से ही आंध्र प्रदेश से यानी कि 2 स्टेट से इस फिल्म ने 165 करोड़ का प्री रिलीज थिएटिकल राइट अपने बेच दिए हैं, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलुगु को थिएटिकल राइट अपने बेच के 165 करोड़ कमा लिया फिल्म। आपको बता दूं दोस्तों प्रभास जो है वो तेलुगु स्टार है, और तेलुगु साउथ की बात करें तो यहां पर नॉर्थ की फिल्में बिल्कुल नहीं चलती है, तो ये तो भूल ही जाओ कि डंकी चलेगी वहां पर, डंकी डिजास्टर होगी या बात अब लिख के ले लो, मतलब कुल मिला के हेटर की फटेगी भाई, क्योंकि साउथ में ना कुत्ता नहीं पूछेगा इस फिल्म को। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि पहले सलार 28 सितंबर को आनी थी, फाइनली 22 दिसंबर को आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि सलार फिल्म जो है तेलंगाना स्टेट और आपका आंध्र प्रदेश स्टेट से 2nd हाईएस्ट प्री रिलीज थिएटिकल राइट बेचने का खिताब अपना नाम कर चुकी है। इसके अलावा तीसरी ऐसी फिल्म बन चुकी है जो 150+ करोड़ के प्री रिलीज बुक प्रॉफिट कर चुकी है थिएटिकल राइट बेच के। इससे पहले ये नाम RRR और दोस्तों बाहुबली 2 के नाम पर था। आपको बता दूं दोस्तों कि डंकी फिल्म, जी हां दोस्तों डंकी फिल्म को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी पड़ी है। डंकी फिल्म साजिश बहुत कर रही है कि सलार के क्या बोलते हैं उसकी हाइप को कम कर सके। सलार फिल्म 22 को रिलीज हो रही है, तो अभी तक ये था कि क्लैश होगी, लेकिन फिल्म मेकर कुछ ट्रेड क्रिटिक्स इनफैक्ट शाहरुख खान ने भी कहा था दोस्तों, कुछ ये लोग कह रहे थे हेटर लोग कि भैया प्री
प्रीपोन्ड हुई है। अरे भाई प्रीपोन्ड क्या होता है, भगौड़ी तो निकली ना भाई, डंकी भगौड़ी निकली, तुम प्रीपोन्ड मत बोलो इसको, भगौड़ी निकली, चाहे एक दिन पहले हो चाहे एक दिन बाद हो, भगौड़ी तो हुई ना भाई, भगौड़ा ही कहेंगे हम। भाई डंकी ने क्या काम किया, डंकी ने एक दिन पहले रिलीज कर दिया इंटरनेशनल नेशनल दोनों जगहों पर, ताकि उसकी हाइप बन जाए। और दोस्तों उसको स्क्रीन, सारा फैक्टर था स्क्रीन का, कि स्क्रीन पर कब्जा कर ले, मतलब भाई इन लोगों ने अपनी जबान पे नहीं टिके। और आपको बता दूं कि स्क्रीन के चक्कर में इन लोगों ने सलार से डर गई फिल्म और एक दिन पहले रिलीज किया। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है टोटली डिजास्टर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। स्क्रीन आज भी शाहरुख खान ने अपनी बात को साबित कर दिया कि वो चाहते हैं कि मैं सोलो रिलीज करूं, सोलो रिलीज कर दिया। वो चाहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाए, कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है, दबा भी चल रही है, फेक पीआर भी होगी, मतलब कलेक्शंस भी ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई साहब आपको क्या बताऊं मैं। लेकिन भाई साहब जो हाल हमने अभी लियो का देखा ना, लियो ने 7 दिन में 539 करोड़ पार, जवान के रिकॉर्ड खत्म, लियो ने जवान की मार ली, पठान की मार ली, मतलब लियो फिल्म जो कि नॉर्थ में ना रिलीज होते भी इतना ह्यूज कलेक्शन। तो आप इमेजिन करो जब 50% स्क्रीन अगर नॉर्थ में चलेगी ना, तो क्या आंकड़े आएंगे भाई, 7 दिन में सलार ना 600 करोड़ पार जाएगा। और आपका ये डंकी, भाई डंकी कॉर्पोरेट बुकिंग के सहारे अपना फिल्म रिलीज करेगी और खाली थिएटर मिलेंगे, क्योंकि कोई फिल्म को देखने जाएगा नहीं। और राजकुमार हिरानी की फिल्म है, शाहरुख खान की तो है ही नहीं, शाहरुख खान का तो नाम भी नहीं पूरी फिल्म के अंदर, तो डंकी की ये इज्जत है। और डंकी दोस्तों अभी बुक माई शो पे यार आप देख लो 1 लाख लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रखे हैं, बाकी लगभग 4.5 लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एडवांस बुकिंग लियो का 1.1 मिलियन गया था, सोचो तो सलार का भी 1 मिलियन क्रॉस जाएगा, और डंकी का 1 मिलियन का 8 लाख भी क्रॉस हो जाए, बहुत बड़ी बात है बुक माई शो पे। दोस्तों क्या लगता है, क्या सलार बाजी मारेगी, क्या सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होगा, क्या दोस्तों सलार का रियल कलेक्शन होगा या डंकी का रियल कलेक्शन होगा। लाइक कमेंट करके अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच इसी तरह प्यार देने के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।